गाइस, आजकल तो व्यूज़ इतने डाउन है कि क्या बताऊं। आपको तो पता ही है, स्टोरी वीडियो में काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपसे जितना हो सके उतना शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी है आपके पास, उसमें शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ यार, कर देना। ढूंढो उसे, साली कमीनी यही कहीं होगी। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हम लोग पकड़ के रहेंगे। बहुत टाइम से वो हमें आगे पीछे घुमा रही है, लेकिन अब नहीं, आज उसका खेल खत्म हो जाएगा। बाहर निकल चोर, आज तेरा खेल खत्म होगा। बहुत चोरी करने का शौक है तुझे, पर अब नहीं, तू जेल जाएगी। और जेल जाके तुझे समझ आएगा चोरी करने का अंजाम क्या होता है। ध्यान से ढूंढो, वो यहीं कहीं है। सर, हमने बहुत ढूंढा, वो यहाँ नहीं है, लगता है भाग गई। वो साली कहीं छुपी बैठी है, आखिर इतनी जल्दी कोई कैसे भाग सकता है। सर, आप उसे ठीक से नहीं जानते, वो चकमा देने में नंबर वन है। माना वो चकमा देने में नंबर वन है, मगर वो ये नहीं जानती कि हम भी पुलिस वाले हैं। वो चाहे कहीं भी भाग ले, मगर हम लोग ढूंढ निकालेंगे। चलो ढूंढो उसे, वो आज बचनी नहीं चाहिए। सर, हम अपनी जान लगा देंगे। साले बेवकूफ, आज भी मुझे नहीं पकड़ पाए। चोरी करके पुलिस को चकमा देने में मैं नंबर वन हूँ। हेलो, तुम कौन हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। बस एक बार मेरी बात सुन लो। जो भी कहना है जल्दी कहो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मेरा काम कर दो तो तुम्हें ये छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारा खुद का प्राइवेट आइलैंड होगा, और तुम्हें इन पुलिस वालों से भी भागना नहीं पड़ेगा। पर मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुमने साथ आने को कहा, मैं आ गई। हम एक बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं, इतनी बड़ी चोरी कि जिसके बाद हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हम उन पैसों को खर्च भी नहीं कर पाएंगे। और इस चोरी में तुम्हें हमारा साथ देना है। इसमें मेरा क्या फायदा? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो इन पैसों को लेके भाग भी सकती हूँ, और अगर सच में मैंने ऐसा किया। हाँ, बात तो सही है, तुम चाहो तो पूरे पैसे हड़प सकती हो, मगर वहाँ से भाग नहीं पाओगी, क्योंकि अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी बस मुझे पता है, और बिना प्लान बी के तुम अपने घर नहीं सीधा जेल जाओगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर आपको मेरी जान बचानी होगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। फिर ठीक है, ये बताइए आगे क्या करना है? क्या और कैसे करना है वो सब तुम्हें टाइम के साथ साथ पता चलता रहेगा। पहुंच गई, यही है वो जगह जहाँ पे हमें हमारा हाथ मारना है। ये चोरी
मेरी आखिरी चोरी होगी और इस चोरी के बाद मुझे कहीं और चोरी करने की कोई जरूरत ही नहीं और ना ही मुझे पुलिस से भागना होगा। इस चोरी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये रहा वो बैग। प्रोफेसर अब आगे क्या करना है? बहुत खूब प्रोफेसर, अपना काम हो गया। टोकियो, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो किसी भी वक्त आता होगा। प्रोफेसर अपना काम हो गया। मेरे घर पे चोरी, ये जो कोई भी हो यहाँ आ तो गई है पर इसे जाने नहीं दूंगा। मेरे घर पे एक चोर है, जल्दी से आप यहाँ आ जाइए। क्या उसके पास हथियार है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर आप जल्दी से आ जाइए। ओके, हम 2 मिनट में पहुँच रहे हैं, आप बस एड्रेस बताइए। एड्रेस है पीक हाउस नेम डबल डोर। ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। जल्दी आइए। क्यों, बुला लिया पुलिस को? कोई बात नहीं, पर मैं जा रही हूँ। जाने से पहले मेरी बात सुनो, भाग के कोई फायदा नहीं, पुलिस आ रही है। टोकियो, रास्ता बंद कर दो। ठीक है प्रोफेसर। ये तुम किससे बात कर रही हो? रास्ता बंद करने का क्या मतलब है? आखिर क्या चाहती हो तुम? टोकियो, उसे कुछ मत करना, अगर तुम्हें वहाँ से निकलना है तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसा आप कहे प्रोफेसर। ए, चलो पर, वरना। ठीक है आता हूँ। हमें इस चोर से बात करके नेगोशिएट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस आदमी को इस चोर से जिंदा बचाना होगा। अगर आज ये आदमी चोर के द्वारा मारा गया तो हमारी नाक कट जाएगी। मैं तो कहूँगा आपको नेगोशिएशन करना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मैं बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। टोकियो, अब वो तुमसे नेगोशिएट करना चाहेंगे और ये नेगोशिएशन तुम्हारे निकलने का रास्ता बनेगा। अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उनसे बात करो। ठीक है प्रोफेसर। तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रोफेसर, लगता है वो बात करना चाहते हैं। जाओ बात करो उनसे। मैं जानता हूँ तुम अपने जान से बहुत प्यार करती हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उस आदमी को छोड़ दो, वो भी जिंदा। आगे क्या करना है प्रोफेसर? उससे कहो तुम आदमी को छोड़ दोगी, वो भी जिंदा, मगर उसके बदले वो तुम पे गोली ना चलाए। सुनो, मैं इस आदमी को छोड़ दूंगी, वो भी जिंदा, मगर याद रखना तुम्हारे साइड से कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा वादा है, अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो हमारे साइड से फायरिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, मैं उसे छोड़ रही हूँ। चल, तेरे जाने का टाइम आ गया, पर कोई होशियारी मत करना। चल बाहर निकल, याद रहे गोलियां नहीं चलनी चाहिए, अगर एक भी गोली चली तो ये पूरा इलाका धमाके में खत्म हो जाएगा। मेरा वादा है, कोई गोलियां नहीं चलेगी। प्रोफेसर, मैंने गेट बंद कर दिया, बताइए अब क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से? टोकियो, निकलने की टेंशन मत लो, तुम्हें वहां से बर्लिन निकालेगा। टोकियो, चिंता मत करो, सारी प्लानिंग हो चुकी है। बर्लिन, जल्दी करो। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, इस पे जो बॉम्ब है उसे हटाने के लिए हमें बॉम्ब स्क्वाड चाहिए और इसकी परमिशन बस कर्नल ही दे सकते हैं। हाँ, मुझे पता है। सर, मैं कर्नल को यहाँ भेजता हूँ, अगर हम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हम सब के लिए काफी खतरा है। ठीक है, तुम उन्हें यहाँ भेजो, मैं बात करता हूँ। ओके सर, अभी बुला के लाता हूँ।
कर्नल, सर ने आपको बुलाया है, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, मैं बात करके आता हूँ, मगर तुम यहाँ ध्यान रखना, कहीं ये चोर भाग ना जाए। सर, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं यहाँ हूँ। ठीक है। प्रोफेसर, मैंने अपना काम कर दिया, अब यहाँ कोई खतरा नहीं, अब हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। बहुत खूब बर्लिन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से टोकियो को नीचे आने बोलो। प्रोफेसर, मैं भी सुन सकती हूँ। बहुत खूब टोकियो, अब चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। टोकियो, जल्दी करो, नीचे आओ। बर्लिन, ड्राइव मैं करूँगी। ठीक है, जल्दी करो। अरे सर, वो लोग भाग रहे हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। जल्दी जीप निकालो, उनका पीछा करो, वो हमसे बचने नहीं चाहिए, जिंदा या मुर्दा हम उसे पकड़ के रहेंगे। प्रोफेसर, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, इनसे बच पाना नामुमकिन है, मुझे इन्हें रोकना होगा। बाय टोकियो। बर्लिन, ये क्या कर रहे हो तुम, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। बर्लिन, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं टोकियो, तुम जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। बर्लिन, मेरी बात सुनो, निकल जाओ वहाँ से। नहीं प्रोफेसर, हमारा साथ यहीं तक का था, गुड बाय। साले, तूने हमारे कपड़ों में हमी को धोखा दिया, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, जल्दी से माइंस हटाओ। अपनी चोरी सक्सेसफुल रही। क्यों बर्लिन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने टोकियो की जान बचाने का वादा किया था, और उसकी जान बचाने का यही आखिरी रास्ता था। मेरी मौत से दुखी मत हो, बल्कि अपने सक्सेस की खुशी मना। इस चोरी के साथ साथ अपना बदला पूरा हुआ। बोल, कहाँ है वो? तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो फिर मर। पहले तो बस सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ते थे, अब तो व्यूज आना भी बंद हो गए। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो पे। प्लीज शेयर जरूर करना, जितना हो सके उतना जरूर से जरूर शेयर कर दो। एंड जल्द ही आपके लिए यलगार की न्यू सीरीज आ रही है, यलगार चैप्टर 3। तो अगर आपको वो जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 5000 कमेंट्स कंप्लीट कर देना, देखते हैं होता है कि नहीं।